हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोर्ट कर्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो कोर्ट कर्व्स होती हैं, इसको सबसे पहले मिड 1960s में ब्रिटेन डेविडसन और उनके सहयोगियों ने इसके बारे में बताया कि किस तरह से कोर्ट एनालिसिस किया जाता है, और ये प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है डीएनए रीनेचुरेशन काइनेटिक्स का। अब सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि डीएनए जो होता है, जो हमारे जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें डीनेचुरेशन का एक प्रोसेस होता है। डीनेचुरेशन मतलब डीएनए का ब्रेकेज होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, और ये कब होता है, या तो जब एब्जॉर्प्शन होता है यूवी रेज का, जिसको हम डिग्री ऑफ डीनेचुरेशन में काउंट करते हैं कि कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है यूवी रेज का 260 नैनोमीटर्स में, उसको हम हाइपरक्रोमोसिटी कहते हैं। तो उससे वो डैमेज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और हो सकता है कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हो, जिसको हम टीएम कहते हैं या मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। अब इसका जो ऑपोजिट प्रोसेस होगा कि जब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, उसको हम रीनेचुरेशन कहते हैं या रीएसोसिएशन कहते हैं। और ये चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है डीएनए का, कितना टाइम अलॉटेड है। तो ये जो कोर्ट एनालिसिस होता है, जिसमें हम कोर्ट कर्व्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये जो कर्व्स होती हैं, ये क्या बताती हैं, परसेंटेज, कि कितना परसेंटेज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वो फंक्शन है लॉग ऑफ कोर्ट वैल्यूज़ में, अर्थात रेट ऑफ रीएसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डीएनए लेफ्ट सिंगल स्टैंडर्ड, मतलब किसी भी समय में आपका कितना फ्रैक्शन ऑफ डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड की अवस्था में है, उस चीज़ को हम कोर्ट वैल्यूज से डिकोड करते हैं। तो इसमें जो हम इसका अध्ययन करते हैं, तो वो डीएनए रीनेचुरेशन काइनेटिक्स के अंतर्गत आता है, जो बताता है कि रेट कैसा होगा, जो आपका डीनेचर डीएनए है वो रीनेचर कैसे करेगा, कितना कॉन्सेंट्रेशन है, कितना टेम्परेचर है, कितना टाइम है, कितना उसमें अमाउंट है, कितना उसमें विस्कोसिटी है। तो कोर्ट क्या हुआ, डीएनए कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय रीनेचुरेशन टाइम मल्टीप्लाइड बाय बफर फैक्टर। तो उदाहरण के लिए अगर हम इसको वैरायटी ऑफ वेज से हम कोर्ट वैल्यू को रीच कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास न्यूक्लियोटाइड कॉन्सेंट्रेशन है 0.050, रीनेचुरेशन टाइम आपको इतना सेकंड्स दिया हुआ है 344 सेकंड्स दिया हुआ है, बफर फैक्टर आपको दिया हुआ है 5.820। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई ऑल दीज थ्री थिंग्स, तो आपको कोर्ट 100 आएगा। ऐसे ही एक दूसरे एग्जांपल से हम उसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 है, रीनेचुरेशन टाइम आपका कितना है तो सेकंड्स का है, बफर फैक्टर आपका इतना है, और आपको कोर्ट वैल्यू इतना होगा। तो आपने क्या देखा कि टोटल अमाउंट जो है कोर्ट वैल्यू का, वो चेंज नहीं हो रहा। तो आप एक ही कोर्ट वैल्यू को अलग अलग तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो रेट है, जिसमें कि पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है वो रीएसोसिएट करेगी, मतलब जो सिंगल स्टैंडर्ड है वो डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होंगे, वो किस चीज़ पर आधारित होंगे, कि कितना प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार वो उस जीनोम में है। जितना आपका, आप जितना टाइम दोगे उतना ही आपका रीएसोसिएशन का जो क्रम है वो उतना ही ज़्यादा निर्मित होगा। तो अब हम इस चीज़ को विजुलाइज कर सकते हैं कि हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम कोई टिश्यू लेंगे, जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है इंटरेस्ट का, जिससे कि हम जीनोम लेना चाहते हैं, हम उसमें एक एंटी ऑक्सीडेंट मीडियम डालेंगे और हम उसको ब्लेंडर में होमोजेनाइजेशन करेंगे। अब जैसे ही ब्लेंडर में वो चला, सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ, तो होमोजेनेट जो है उसको फिर हम फिल्टर करेंगे, प्लास्टिड्स को हम लाइसिस कराएंगे, और जो प्लास्टिड्स में जो न्यूक्लियाई हैं उनको हम पैलेटेड फॉर्म में सेंट्रीफ्यूगेशन से प्राप्त करेंगे। पैलेट जो है उसमें ऑर्गेनल्स नहीं होने चाहिए, इट शुड बी फ्री ऑफ कंटेमिनेटिंग ऑर्गेनल्स। तो हम कैसे पता करेंगे, हम इसके लिए एक स्पेशल माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, उस माइक्रोस्कोप को हम कहते हैं फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। अब ये जो फेस कॉन्ट्रास्ट होता है, डिफर करता है ऑन द वेवलेंथ। तो फेसेस जो होती हैं वेवलेंथ की, जो आपकी रोशनी आती है जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो रोशनी बाहर माइक्रोस्कोप से जाती है और जो भी आपका सेल्स हैं न्यूक्लियस है उसको टच करके जाती है, दैट इज़ योर रिफ्लेक्टेड रेज। तो इनमें जो फेसेस जो लाइट के होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जिस वजह से आप उस चीज़ को स्पष्ट देख सकते हैं। तो डीएनए जो है वो हम आइसोलेट करते हैं प्योरीफाइड न्यूक्लियाई से, हम एक्सट्रैक्शंस यूज़ करते हैं फिनोल के, क्लोरोफॉर्म के, और फिर हम उसको एंजाइम से
कपलिंग कराते हैं प्रोटीनेज या आरएनए एज डाइजेशन से। अब जो डीएनए हम उसको कट करेंगे पीसेस में, पीसेस का साइज़ होना चाहिए 450 बेस पेयर्स, या तो हम हाई स्पीड ब्लेंडिंग करेंगे या सोनिकेशन करेंगे। फ्रेगमेंट का जो साइज़ है हम उसको चेक कर सकते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से, और जो हमारा डीएनए जो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में आया वो एलिक्विड्स जो हैं डीएनए की उसको हम डिसॉल्व करेंगे अलग अलग हमारे बफर सॉल्यूशन में, जिससे कि हमें नॉन कॉन्सेंट्रेशंस प्राप्त हो सकें। अब डीएनए सॉल्यूशन जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा ग्लास माइक्रो कैपिलरी ट्यूब्स में या ग्लास एम्प्यूल्स में, तो इससे क्या होगा कि ईच ट्यूब या एम्प्यूल जो होगा उसमें 100 माइक्रोग्राम्स ऑफ डीएनए प्रेजेंट होगा। अब फिर हम उस एंड्स को, हम एम्प्यूल्स के या ट्यूब्स को हम उसको सील कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि उनमें से जो एक ट्यूब होती है उसमें एक नॉन कॉन्सेंट्रेशन डीएनए है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। फिर हम उस ट्यूब को प्लेस करते हैं बॉइलिंग वाटर में कि डीनेचर हो जाएं हमारे डीएनए ड्यूप्लेक्सेस। अब जो ट्यूब है उसको प्लेस करते हैं वाटर बाथ में। एक सैम्पल क्राइटेरियन होता है कि मेल्टिंग टेम्परेचर, टीएम इज योर मेल्टिंग टेम्परेचर। रीनेचुरेशन जो होगा उसको हम अलाउ करेंगे जब तक कि सैंपल एक स्पेसिफिक कोट वैल्यू में रीच कर जाए। तो कोट वैल्यू क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ द सैंपल न्यूक्लियोटाइड कॉन्सेंट्रेशन। आपको जो सैंपल का न्यूक्लियोटाइड कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, मोल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड पर लीटर। कितना री एसोसिएशन टाइम है सेकेंड्स में, और कितना आपका बफर फैक्टर है, कैटाइन कॉन्सेंट्रेशंस कितनी है बफर में। जैसे ही आपका सैंपल डिजायर्ड कोट वैल्यू को रीच कर जाता है, एंड जो है हम उसको ब्रेक करते हैं ट्यूब की और सोल्यूशन को ब्लो करते हैं हम 104 एक्सेस में SPB में। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे डायल्यूटेड जो सैंपल है वो क्विकली लोड होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट कॉलम में, जिसको हम इक्विलिब्रेट करते हैं 0.03 mSpB में। इस बफर कॉन्सेंट्रेशन में सारे के सारे बाइंड कर जाते हैं डीएनए HAP से। जैसे ही आपका सॉल्यूशन एंटर कर जाता है HAP में, तो फिर हम ऐड करते हैं क्या कॉज करेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टू एल्यूट। एल्यूटेंट जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है हम उसको कलेक्ट करते हैं पॉलीप्रोपाइलीन ट्यूब में। उसके बाद में जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो हमने कलेक्ट किया है उसमें हम एक बफर को ऐड करेंगे और एल्यूट करेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को। अब ये जो हमारे वॉल्यूम है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एल्यूटेंट का और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एल्यूटेंट का, उसको हम निर्धारित करेंगे। उसके निर्धारण के लिए हम एग्जैक्टली 0.9 ml सेंट्रीफ्यूज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एल्यूटेंट को मिक्स करते हैं 0.1 ml एक्वस 10 NKOH, जो कि डीनेचर करेगा किसी भी डीएनए ड्यूप्लेक्स को। इसी तरह से आप उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको एडजस्ट करोगे लाइट स्कैटरिंग में कि जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर है उसको हम डिटरमाइन करेंगे। तो उसके लिए हम परसेंटेज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को कैलकुलेट करेंगे एक फॉर्मूला से, जो कि एक पर्टिकुलर कोट वैल्यू का है। यहाँ पे हम देखते हैं कि VSS स्टैंड्स फॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्ट्रैंड फ्रैक्शन, और VDS स्टैंड्स फॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ डबल स्ट्रैंड फ्रैक्शन। ASS किसके लिए है, एडजस्टेड लाइट स्कैटर के लिए, जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डीनेचर सिंगल स्ट्रैंड फ्रैक्शन के लिए है। ADS जो है वो एडजस्टेड फॉर लाइट स्कैटर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डीनेचर डबल स्ट्रैंड फ्रैक्शन के लिए। तो इस तरह से हम परसेंटेज एक तरफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का और लॉग कोट वैल्यूज़ को एक तरफ हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं कोट कर्व्स। तो कोट कर्व्स क्या बताती हैं कि यहाँ पे शुरू में आपका जो है वो फोल्ड बैक डीएनए है जिसमें कि मैक्सिमम फ्रैक्शन है, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि इट गोज डाउन। जैसे जैसे आप लो कोट की वैल्यूज इंक्रीज करते हो तो क्या देखते हो आप कि सिंगल या लो कॉपी बन जाती है कंपोनेंट की, अर्थात जो मैक्सिमम फ्रैक्शन होता है सिंगल स्टैंडर्ड का वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ब्लू कलर में हम क्या देखते हैं, हाईली रिपीटेटिव कंपोनेंट। ग्रीन कलर में हम क्या देखते हैं, मॉडरेटली रिपीटेटिव कंपोनेंट। और रेड कलर में हम क्या देखते हैं, सिंगल या लो कॉपी कंपोनेंट। तो हम जब ये प्लॉटिंग करते हैं कोट कर्व्स की, इस तरह का जो प्लॉटिंग होती है जिसमें हम एक तरफ परसेंटेज को रखते हैं, परसेंटेज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और दूसरी तरफ लो कोट को रखते हैं, तो दोज आर नोन एज योर कोट कर्व्स। अब ये जो री एसोसिएशन होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सोल्यूशन में। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही चांसेस होगा कोलिशन का या री एसोसिएशन का। कहने का मतलब ये कि जो कोट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जीनोम साइज का। अब
जब हम कोट हाफ को देखते हैं तो कोट हाफ क्या देता है हमें, टोटल लेंथ ऑफ डिफरेंट सीक्वेंसेस इन ए जीनोम इन बेस पेयर्स, अर्थात कोट हाफ को हम कहते हैं काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कोट हाफ ऑफ डीएनए ऑफ ए जीनोम अपॉन कोट हाफ ऑफ इकोलाइड डीएनए, जिसको कि हम एक बेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को, इट इज़ इक्वलेंट टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जीनोम अपॉन नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन इकोलाइड डीएनए, या फिर काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इन ए प्रोकैरियोट इज इक्वलेंट टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जीनोम अपॉन 4.2 × 10⁶ बेस पेयर्स। तो इस तरह से हम इसको कोट कर्व्स को यहाँ पे हम विजुलाइज कर सकते हैं, जो लॉग वैल्यूज होंगी कोट वैल्यूज को रेंज करेंगी, एसेंशियली नो रीनेचुरेशन टू कंप्लीट रीनेचुरेशन, उसको हम प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ जो है कोट पॉइंट्स का रेंज करता है इस तरह से, आप देख सकते हो कि मैक्सिमम फ्रैक्शन, देन इट गोज डाउन विद इंक्रीज ऑफ द कोट। तो कोट वैल्यूज देन सीक्वेंसेस फाउंड ओनली वंस पर जीनोम, मतलब सिंगल कॉपी डीएनए। हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, जीनोम साइज डिटरमाइन कर सकते हैं, रिलेटिव प्रोपोर्शन सिंगल कॉपी का कितना है, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस कितनी है, फ्रैक्शन ऑफ जीनोम ऑक्यूपाइड बाई ईच फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोट कर्व्स, होपफुली आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। थैंक यू।